वेलकम बैक फ्रॉम गोकर्णा और ये है मेरा फीमेल डॉर्म और लुक एट द व्यू. तो आज है मेरा डे वन. मैं सुबह अराउंड 7:15 या 7:30 बजे इधर आकर रुकी हूँ ट्रिपर गोकर्णा को. और आज का ये प्लान है कि हम पहले जाएंगे याना केव्स और उधर से विभूति फॉल्स. हम इधर एक टू व्हीलर अभी रेंट करने वाले हैं और रेंट कर कर मैं ड्राइव करूँगी. अराउंड 50 किलोमीटर्स है याना केव्स. सो पहले याना केव्स जाएंगे. और बाय द वे मीट श्रुति. तो आज हम एक साथ जाने वाले हैं याना केव्स और विभूति फॉल्स. इतना ज़्यादा खराब रास्ता था कि मेरा अभी बम डिसमेंटल होने वाला है. तो हमने पहले अभी मैगी खा ली क्योंकि इधर खाने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है. तो अभी अराउंड 1.5 किलोमीटर फिर से चढ़ते जाना है, फिर आएंगे फाइनली याना केव्स. मैं थक चुकी हूँ, अब मेरा पसीना देख सकते हैं. बहुत ज़्यादा स्टेप्स है और गाड़ी भी इतनी चलानी पड़ी है. हम इतने बार रास्ता भटक चुके हैं कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है जाने दो याना केव्स, हाँ मैं घर चली जाऊँ. ऑलमोस्ट अराउंड 200 स्टेयर्स के बाद हम पहुंच चुके हैं याना केव्स. और आई वोंट लाई, ये बिल्कुल भी प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं था. बहुत ज़्यादा आप थकने वाले हो. सो हमें इधर बाहर अभी हमारे जूते निकालने हैं और उधर अंदर और ज़्यादा चलना है. ओके, इतने एफर्ट्स लेने के बाद ये व्यू अर्थ था. लेकिन इतनी ज़्यादा चीटियाँ हैं और आपको इधर शूज़ अलाउड नहीं है. तो अभी श्रुति का वही चल रहा है कि चीटियाँ. हमने ऑलमोस्ट हमारी हाफ बस ले रही है, खाली कर दी हमारे पाँव पे. गुड मॉर्निंग. और ये है मेरा सेकेंड डे और ये अभी मेरा बन रहा है लास्ट डे क्योंकि मुझे जाना पड़ रहा है. लेकिन पहले हम जो कोई काम कर रहे हैं वो है बीच पर जाना, क्योंकि हमने सोचा कि हमारे हॉस्टल के सामने बीच है तो क्यों ना जाए. टूर दे देती हूँ, जिधर मैं रह रही हूँ वो है ट्रिपर गोकर्णा. और अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ हमारे रूम में. ये है श्रुति अगेन. ये हमारा है बेड, ये मेरा बेड है, ये श्रुति का बेड है. अभी हमारी रूम थोड़ी मेस्ड अप है, इधर और दो लोग सो सकते हैं. ये है हमारा व्यू. आई
am all ready. और अभी मैं इधर से निकल कर जाने वाली हूँ सिटी में, और मेरे पास thankfully मेरी बाइक है जो मैंने एक्सटेंड करके आज शाम तक रख ली है मेरे पास. तो हम, मेरे साथ अभी श्रुति भी आएगी, हम जाकर अच्छा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि कल रात का डिनर मुझे जा ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था कि मैं कब निकलूँ पुणे, कौन सा टिकट लूँ, क्या करूँ, वो रात थोड़ी ख़राब थी. सो अभी जल्दी जल्दी जाएंगे सिटी और खाएंगे ब्रेकफास्ट. अच्छे से दर्शन हो चुका है, तो इधर है गणपति मंदिर और इधर पीछे अगर आप देखो तो इधर है महाबलेश्वर टेंपल, और ये पहला और ओनली आत्मलिंग है ऐसे वो बोल रहे थे. तो उधर मैंने अभी अच्छे से टाइम बताया है, दर्शन लिया है, बैठी थी मैं थोड़ी देर. मैं अभी आ चुकी हूँ गोकर्ण बीच, और ये टाइमिंग बहुत ही आई गेस बुरा था, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप इतनी निकली हुई है कि मतलब इधर सैंड में भी पैर रखने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन नो ऑप्शन. फॉर्चुनेटली पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसके लिए अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, और ओवरऑल इस बीच में शाम को या सुबह जल्दी आने में बहुत अच्छा लगेगा. छोटा बीच है, और इधर एक बहुत ही फेमस कैफ़े है, नमस्ते कैफ़े. सो शायद आज का लंच उधर ही होगा, और इसका अगर आप शेप देखो, मैं आपको ऊपर से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करूँगी, तो वो ओम के शेप में ये बीच है, इसके लिए इसका नाम है ओम बीच. मेरी ब्रीडिंग कर रहा है, तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है ऐसे ब्रीडिंग करने का, मैंने आज तक कभी किया नहीं है. सो देखेंगे, कल तो पुणे जाकर शायद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो नया है. स्मॉल थिंग्स बिग मेमोरी. और अभी मैं इधर ओम बीच से निकलने वाली हूँ, और निकल कर जाऊँगी कुडले बीच, वो यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर है. बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो मैंने फाइनली चेकआउट कर लिया है, मेरी बैग भी है इधर, और बहुत ही प्रिटी सनसेट है जो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे इधर से जल्दी से निकलना है, क्योंकि बिल्कुल भी कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, और मुझे सेफ नहीं लग रहा बिल्कुल. जैसा कि मेरा वीडियो का टाइटल है, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो कुछ वीडियो में दिखा नहीं जो सॉर्ट ऑफ बुरा था, तो मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए ये अनकम्फर्टेबल या सॉर्ट ऑफ डरावना नहीं होगा, लेकिन कोई अगर मेरे जैसा है जो जा रहा है, तो मैं उसके लिए ये क्लिप बना रही हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं दारू नहीं पीती, मैं स्मोकिंग नहीं करती वगैरह वगैरह, और मेरा मतलब मेरे जो दोस्त है वो भी ऐसा कोई नहीं करता, इसके वजह से
मैं इस एनवायरनमेंट में ज़्यादा रही नहीं हूँ, और जो मेरा हॉस्टल था और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग उधर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे या गेम्स खेल रहे थे, बियर पोंग और वॉट एवर, जो मुझे आज ज़िंदगी में मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है ऐसा कोई गेम होता है। और मैं किसी हॉस्टल को दोष वगैरह नहीं देना चाहती, लेकिन इस चीज़ों के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं थी, उसके वजह से मुझे उधर बहुत ऑकवर्ड हो रहा था और बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उसके वजह से मुझे लग रहा था कि मैं कब चली जाऊँ। सेकेंड, अगर आप गोकर्ण जा रहे हो तो सभी दुकानें अराउंड 8 बजे तक रात को बंद हो जाती है और स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरा जो हॉस्टल था वो इतना दूर था, मतलब हाफ ऑफ द गोकर्ण को पता भी नहीं था कि मेरा हॉस्टल किधर है, और एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थे, बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारे खड्डे, मतलब आप बहुत बार उधर मतलब गुम हो जाओगे, गूगल मैप भी आपका साथ नहीं देता, तो बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था। बहुत बार मुझे ऐसे ही पूरे बीच पर विदाउट लाइट्स चल के जाना पड़ा, उसकी वजह से वो भी अनकंफर्टेबल था। उसके बाद जिस लड़के से मैंने मेरी टू व्हीलर रेंट पे ली थी, वो मुझे लास्ट दिन लेने आया था क्योंकि उनको आना पड़ता है, और पहले ही दिन मैं उससे मिल चुकी थी, सो मैं नॉर्मल थी। लेकिन उस दिन उसने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी थी, सो वो मुझे पूरे गोकर्ण में, मतलब उसका दुकान आने तक, अराउंड 110 की स्पीड से टू व्हीलर से लेके जा रहा था। मैं इतने स्पीड में कभी बैठी भी नहीं हूँ टू व्हीलर पे, और वो मेरा कुछ सुन नहीं रहा था और आजू बाजू के लोगों को गालियाँ दे रहा था, सब लोग उसको कुछ तो बोल रहे थे। और उसके मतलब गाड़ी के ऊपर, मतलब टू व्हीलर पर मैं अराउंड 15 मिनट्स थी, 10 मिनट्स तो फॉर श्योर थी, और इतना डरावना एक्सपीरियंस हेलो मैंने आज तक लिया नहीं है। और अगर आप गोकर्ण जा रहे हो और अगर आप कैनरा पिंटो या ऐसी कोई प्राइवेट बस से जा रहे हो और वो गोकर्ण क्रॉस या मदनगिरी रुक रही हो, तो प्लीज़ आप वो बस ना लें, स्पेशली अगर आप लड़की हो तो, क्योंकि मेरी रात को 9:10 की बस थी जो पहले प्रीपोन हो गई और वो बाद में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई। तो उधर जाने का जो पूरा रूट है वो ऑलमोस्ट जंगल जैसा लगता है नहीं आई नो, लेकिन कोई भी लाइट्स नहीं होंगे और बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मतलब कैसे करके वो ऑटो वाले भैया अच्छे निकले, उसके वजह से मैं बच गई, क्योंकि मैं उस ऑटो में अराउंड 40 मिनट्स रुकी थी मेरे मतलब गोकर्ण क्रॉस के स्पॉट पर। कोई भी लाइट उधर नहीं था, एक टपरी थी पीछे, लेकिन उधर भी थोड़ा ऐसा ही आदमी था और ड्रंक ऑटो वाले मुझे आकर, मतलब एक ने मुझे पूछा कि हेलो मैडम हाउ डू यू डू मुंबई गोइंग, जैसे लगा भी क्या करूँ मैं, और वो जा ही नहीं रहा था। एक लोकल आंटी आई, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर मेरे ऑटो के इधर बोलने लगी, बहुत बहुत ज़्यादा उधर ड्रामा हो रहा था। और अराउंड 45 मिनट्स मेरी बस लेट हो गई, लेकिन वो ऑटो वाले अंकल रुके हुए थे मेरे लिए, वो मुझे बोले कि मैं तुम्हें बैठा कर ही जाऊँगा, उसके वजह से मैं ऑलमोस्ट बच गई। और मैं अभी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही, कुछ लोगों के लिए ये बहुत फनी होगा, लेकिन मैं अभी ज़्यादा ये बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं डिटेल्स में गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी थी। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आपकी अगर फर्स्ट सोलो ट्रैवल हो और आप स्पेशली लड़की हो, तो आप ये सारी चीज़ें दिमाग में रखें, और आप थोड़े मेरे जैसे हो तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि थोड़ा आप अलग लोकेशन ले या फिर दोस्तों के साथ गोकर्ण जाए। सो मुझे यही बोलना था, मैंने ये फास्ट बोला क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। लेकिन अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, और अभी मैं फ्रेश माइंड से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने वाली हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आई लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।